जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अर्पना योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फीडिंग इन एनिमल्स। फीडिंग इन एनिमल्स, फीडिंग मीन्स मिल्क पिलाना या फिर एनिमल्स के भोजन, एनिमल्स के फूड। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू रिमेन हेल्दी। Different animals have different feeding habits according to the food they eat. Their mouth parts are adapted to the kind of food they eat. All animals, जितने भी animals हैं सभी को grow करने के लिए यानी विकास करने के लिए food की आवश्यकता होती है, और उन्हें energy के लिए भी food की आवश्यकता होती है, अपने आप को healthy रखने के लिए भी उन्हें फ़ूड की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल्स के जो फीडिंग हैबिट्स होते हैं वो जैसा फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। देयर माउथ्स, उनके जो माउथ के पार्ट होते हैं, उनके द्वारा जो खाए जाने वाले फूड होते हैं उनके अनुकूल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस ईट ग्रास और लीव्स ऑफ ट्रीज। They have sharp front teeth for cutting and biting. They have strong and broad back teeth for chewing the food. Animals like cows, horses, goats and camels have such teeth. Herbivorous means शाकाहारी, जो कि केवल grass, leaves of tree, जो कि grass eat करते हैं, trees के leaves eat करते हैं, branches eat करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, herbivorous। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं जो जिनसे ये अपना फूड काटते हैं वेरी शार्प होते हैं, इनका जो फ्रंट टीथ होता है काफ़ी शार्प होता है जिनसे ये अपना फूड काटते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक, और इनका जो बैक टीथ होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होता है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, जिनसे ये फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग मीन्स चबाना, चबाते हैं। एनिमल्स जैसे काऊ, हॉर्स, गोट और कैमल के जो टीथ होते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज हॉर्स। हॉर्स क्या है, हर्बीवोरस का एग्जांपल है, ठीक है। हॉर्स क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। हर्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ। जो हर्बीवोरस होते हैं इनका जो फ्रंट टीथ होता है शार्प होता है और बैक टीथ ब्रॉड होता है। ओके, नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, लाइक लायंस, टाइगर्स, वोल्व्स एक्सेट्रा। फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे लायन है, टाइगर है, वोल्व्स है, ये सभी एनिमल्स जो हैं अदर एनिमल्स के फ्लैश ईट करते हैं, मीन्स अदर एनिमल्स के मांस को ईट करते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ और केनाइंस फॉर टीयरिंग द फ्लैश। इनके पास शार्प मीन्स तेज, पॉइंटेड मीन्स नुकीले टीथ होते हैं जो इन्हें फ्लैश को फाड़ने में, नोचने में हेल्प करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग बैक टीथ, और इनका जो बैक टीथ होता है, स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, वो मीट और बोन्स को पीसने में, इट मीन्स ग्राइंडिंग करने, इनका जो बैक टीथ होता है स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग बैक टीथ, वो मीट और बोन्स को चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज टाइगर। कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड केनाइन टीथ। कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके शार्प पॉइंटेड केनाइन टीथ होते हैं और ग्राइंडिंग बैक टीथ, और ग्राइंड करने के लिए उनका बैक टीथ होता है, ठीक है। रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल्स ईट सीड्स एंड फ्रूट्स। रोडेंट्स मीन्स मूसक या कृतंग होता है, ओके। लाइक रैट एंड स्क्वायरल्स ईट सीड्स एंड फ्रूट्स, जैसे रैट्स एंड स्क्वायरल्स सीड्स और फ्रूट्स को ईट करते हैं। दे हैव स्मॉल एंड शार्प इंसाइजर्स इन ईच जॉ दैट हेल्प देम टू नाउ और निबल ऑन देयर फूड। उनके पास प्रत्येक जॉ में, ठीक है, स्मॉल और शार्प इंसाइजर्स होते हैं जो इन्हें फूड को काटने में और कुतरने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल,
Hawks and kites have strong pointed claws or talons to catch the prey and sharp and hooked beak to tear the flesh. Birds of prey means शिकारी पक्षी, जैसे ईगल, हॉक, स्काइट, ये सभी क्या है? शिकारी पक्षी हैं. इनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड क्लॉज होते हैं. क्लॉज मीन्स पंजा, मजबूत नुकीले पंजे होते हैं. और उन पंजों में नुकीले शार्प पॉइंटेड क्या होते हैं? नेल होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टेलन्स, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं. टेलन से क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ते हैं. और अपने हुक्ड बीक, इनका जो बीक होता है, जैसे हैंगर आपने देखा है आगे से हल्का सा मुड़ा होता है, उसी तरह इनका बीक होता है. बीक में चोंच आगे से हल्का सा झुका हुआ होता है, जिसे हुक्ड बीक कहते हैं. ठीक है, उस बीक से क्या करते हैं ये अपने जो शिकारी होता है, इनका जो शिकार होता है, इट मीन्स जो फूड होता है, उसको फाड़ते हैं. अपने फ्लेश को इस बीक से नोचते हैं या फाड़ते हैं और फिर ईट करते हैं. ठीक है, टीयर मीन्स नोचना, फाड़ना. ठीक, अपने फ्लेश को ये क्या करते हैं? अपने हुक्ड बीक से नोचते हैं या फाड़ते हैं और फिर ईट करते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आप देख रहे हो, इस फिगर में टेलन्स में एरो बने हुए हैं. ये इनके शार्प पॉइंटेड क्लॉज हैं. ठीक है, जिसमें ये नुकीले नेल हैं. इस नेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलन्स. और आप इनका बीक देखिए, हुक्ड बीक है, हल्का सा नीचे की ओर झुका हुआ है. ठीक है, जो बर्ड्स ऑफ प्रे, जो शिकारी पक्षी होते हैं, उनके जो बीक होते हैं, हुक्ड बीक होते हैं. इट इज इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई, इनके पास लंबे क्वाइल्ड मीन्स, जैसे आप लोगों ने मॉस्किटो क्वाइल देखा है ना, उस तरह लंबा क्वाइल की तरह ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबोसिस मीन्स सूंड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सूंड. टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो इनको सक मीन्स चूसना, नेक्टर मीन्स अमृत. ठीक है, जो इन्हें फ्लावर्स है उसके रस को या अमृत को चूसने में हेल्प करते हैं. अ मॉस्किटो हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड. उसी तरह मॉस्किटो के हेड पे भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट यूजेस दिस ट्यूब टू सक ब्लड. वो इस ट्यूब का यूज़ किस में करते हैं? ब्लड को सक करने के लिए करते हैं. ओके, ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी, लाइक जैसे कि ह्यूमंस, क्रोस एंड हेंस. ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. ये सभी बोथ मीन्स दोनों, प्लांट्स और अदर एनिमल्स के फ्लेश दोनों ईट करते हैं. जो प्लांट और अदर एनिमल्स के फ्लेश दोनों ईट करते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ओमनीवोरस आर डिज़ाइंड टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनीवोरस की जो डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाने के लिए डिज़ाइन की गई है. ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.